तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी जाना है कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है. देखो हम जानते हैं प्रीवियस ईयर वो ईयर होती है जिसमें हम इनकम कमाते हैं एंड असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम जो पिछले साल इनकम कमाई गई है उसको असेस करते हैं. करेक्ट. सो हमेशा हमने देखा है कि जो असेसमेंट ईयर होगा वो एक ईयर आगे होता है प्रीवियस ईयर से. करेक्ट. सो हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम हम कमाएंगे उसका असेसमेंट हम किस में करेंगे, असेसमेंट ईयर के अंदर करेंगे. प्रीवियस ईयर को प्यार से PY भी बोला जाता है एंड असेसमेंट ईयर को प्यार से AY भी हम बोलेंगे. सो इफ फॉर एन एग्जांपल 1/4/2006 से लेकर 31 मार्च 2007 अगर मेरा प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1/4/2007 से लेकर 31 मार्च 2008. सो इस तरीके से असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे रहेगा प्रीवियस ईयर से एंड फिर असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगा, अगले साल के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा. करेक्ट. सो बहुत सिंपली हमने देखा था पिछले साल जो इनकम कमाई उसका टोटल इस साल करेंगे और असेस इस साल करेंगे. दिस इज द जनरल रूल. इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जनरल रूल. बट समटाइम्स देर इज एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है बराबर, एक्सेप्शंस का मतलब होता है जनरली तो ऐसा होगा बट नॉन जनरली ऐसा होगा, मतलब रेयरली ऐसा होगा. सो जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर अलग होता है एंड असेसमेंट ईयर अलग होता है. पर कभी कभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्शंस रखे हैं जिसमें उन्होंने क्या बोला, भाई प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर है ना एक ही होना चाहिए. प्रीवियस ईयर शुड बी इक्वल टू द असेसमेंट ईयर इटसेल्फ. मतलब जिस साल में इनकम कमाई ना उसी साल में असेस भी कर दो. देखो ऐसा कोई क्यों करेगा कि अगले साल तक वेट मत करो, जब उसको डर है ना कि अगले साल तक वो भाग जाएगा. एंड एग्जैक्टली आई एम नॉट इवन किडिंग, एग्जैक्टली गवर्नमेंट को भी कुछ केसेस में यही डर है कि आदमी ने इनकम तो प्रीवियस ईयर में कमाई पर अगर अगले साल वो इंडिया के बाहर भाग गया तो, या फिर वो भाग गया तो हम कैसे उसकी इनकम को असेस कर पाएंगे अगले साल. करेक्ट. सो इन सर्टन सिचुएशंस व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली स्केर्ड दैट इन द असेसमेंट ईयर द असेसी विल नॉट बी इवन प्रेजेंट इन इंडिया, तो मैं उसकी कैसे असेसमेंट करूंगा. सो एट दैट टाइम उन्होंने क्या बोला कि कुछ लोगों के लिए याद रखना, कुछ लोगों के लिए प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है. कुछ लोगों के लिए ही, हाँ, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है. और वो कुछ लोग कौन है, तो ये हैं वो कुछ लोग. सबसे पहले हमारे पास कौन आता है, अंडर सेक्शन 172 बराबर, कौन सा, एज पर सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स. मतलब कौन लोग, नॉन रेसिडेंट्स का शिपिंग बिजनेस. जैसे समझो कि एक शिप जो किसी फॉरेनर को बिलोंग करती है या फिर वो फॉरेनर उस शिप को चार्टर करके लेकर आया, चार्टर करके लेकर आया मतलब चलाकर लेकर आया बराबर, बाय अ नॉन रेसिडेंट. और वो शिप में वो क्या लेकर आ रहा था, या तो वो शिप के अंदर वो पैसेंजर्स लेकर आ रहा था या वो शिप के अंदर लाइव स्टॉक लेकर आ रहा था. लाइव स्टॉक का मतलब समझते हैं, भेड़ बकरियां बराबर, या फिर वो मेल लेकर आ रहा था बराबर, क्या लेकर आ रहा था, मेल लेकर आ रहा था, या फिर गुड्स लेकर आ रहा था बराबर. इसमें से कुछ भी वो लेकर आ रहा था, शिप टू एनी पोर्ट इन इंडिया, मतलब बाहर से वो कहाँ आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है. मतलब कोई एक नॉन रेसिडेंट जिसकी शिप है या कोई एक नॉन रेसिडेंट जो शिप का ड्राइवर है, पायलट है बराबर, या कैप्टन है, वो आदमी या तो फिर पैसेंजर्स या तो फिर लाइव स्टॉक या तो फिर मेल या तो फिर गुड्स लेकर किसी पोर्ट पर इंडिया के अंदर आया है, तो इस आदमी को इंडिया के बाहर वापस जाने को नहीं मिलेगा. कब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो या तो इनकम टैक्स दे ना दे या इनकम टैक्स देने का बंदोबस्त नहीं करके जाए. मतलब प्रॉपर प्रोविजन की वो टैक्स आ जाएगा, वो प्रोविजन नहीं करके जाए, तब तक इस शिप को इंडिया के बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा. और तो और इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनली असेस्ड इनकम. क्या बोलते हैं हम, प्रोविजनली असेस्ड इनकम. मतलब इस आदमी के ऐसे टाइप की इनकम, इस टाइप के आदमियों की इनकम हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, जितनी फी उसने कलेक्ट करी है फॉर पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स, जितनी फी उसने कलेक्ट करी है ना, उसका 7.5% को हम क्या मान लेते हैं, प्रोविजनल इनकम. क्या मान लेते हैं हम, प्रोविजनल इनकम. मतलब समझो अगर उसने ये सब करके लाख रुपए इकट्ठा कराए तो लाख रुपए का 7.5% उसकी क्या बनेगी, इनकम बनेगी. और ये इनकम के ऊपर कोई ना कोई परसेंटेज लगाकर हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे. याद रखना, जितना उसका कलेक्शन है इसके नाम पर उसका 7.5% ही उसकी इनकम बनेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजनल इनकम बराबर. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल इनकम बोलते हैं. एक और चीज, इसको हम डीम्ड इनकम भी बोलते हैं. देखो टैक्स में एक बहुत और इंपॉर्टेंट वर्ड है डीम्ड बराबर. डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लो, मतलब
मान लो कि जो पैसा उसने इकट्ठा करा उसका 7.5% ही उसकी इनकम है. अब उसकी रियल इनकम या तो उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकती है, क्योंकि देखो इनकम क्या होती है या प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस. हमने तो क्या मान लिया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी इक्वल टू 7.5% ऑफ इट्स कलेक्शन, करेक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड इनकम बोलते हैं हम इसको. तो इनकम टैक्स लॉ में बहुत बार आप देखोगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डीम्ड वर्ड यूज हुआ है, एंड डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मान लो. असली में हो चाहे नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आप मान लो कि हमने उसको डीम कर दिया, दैट इज वी मीन इट टू बी दिस, करेक्ट. अब हमें समझ में आ गया. सो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, इनके लिए प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है. उड़ गए इंडिया के बाहर, चले गए, क्या कर लोगे फिर आप? समझ में आया, शिप लेके चले गया, फिर क्या कर लोगे आप? सो याद रखेंगे रेसिडेंट्स के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता. किसके ऊपर अप्लाई होता है? नॉन रेसिडेंट्स मतलब फॉरेनर्स. एंड स्पेसिफिकली अगर आपको रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स के बारे में डिफरेंस जानना है तो चैप्टर 2 में हम जानेंगे. सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन 172 लगता है. क्या लाया होगा वो? इनकम कैसे कमाता है? पैसेंजर्स लाकर, या फिर बाहर से लाइव स्टॉक लाकर, या बाहर से चिट्ठियां लाकर, या बाहर से गुड्स लाकर. ये सब लाकर इंडिया के अंदर वो लेकर आता है और इस सर्विस के हम उसको पैसे देते हैं. वो पैसे जो हमने उसको दिए हैं उसके 7.5% को डीम कर ली जाएगी एज इनकम, करेक्ट. अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ऐसे कौन लोग होते हैं जिनकी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम होते हैं, दैट इज पर्सन्स लीविंग इंडिया. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर जो असेसिंग ऑफिसर है, देखो असेसिंग ऑफिसर को हम प्यार से क्या बोलते हैं, AO, असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ऑफिसर कौन हुआ? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो आदमी हुआ जो इनकम को असेस करता है, हमारी इनकम को असेस करता है, हमारी इनकम को चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर. अब असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई एक पर्सन है ना वो जानबूझ के इंडिया छोड़कर बाहर चले जाने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, बराबर, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं यार रुक, तू तो अगले साल इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएगा, तो अगले साल अगर हम तेरे को बोलेंगे इनकम असेस कर तो तू तो फॉरेन पे हमारे फ़ोन के जवाब ही नहीं देने वाला, तू हमको टैक्स नहीं भरेगा. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तू भाई इसी साल इंडिया से बाहर निकलने के पहले, मतलब अगर ये तेरी प्लेन है तो प्लेन से तू उड़ जाए उसके पहले तू मेरे को क्या देकर जाएगा, उसके पहले, ये बहुत ही खराब प्लेन है, बराबर, उसके पहले तू हमें क्या भर के जाएगा, उसके पहले तू हमें टैक्स भर के जाएगा. सो कौन से दो लोग हो गए, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स एंड पर्संस लीविंग इंडिया परमानेंटली, वेयर द AO बिलीव्स. AO कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर. AO को बिलीव होना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल है, AO को क्या बिलीव होना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल है ये हमें लगता है कि इंडिया छोड़कर जाने वाला है. नेक्स्ट कौन होता है हमारे पास? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, मतलब AOP, BOI, AJP, ये लोग एक छोटे से इवेंट के लिए फॉर्म हुए थे और वो इवेंट या तो खत्म हो गया है करंट ईयर के अंदर या फिर अगले साल तक इवेंट खत्म हो जाएगा. तब अगेन अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो AOP है, ये जो BOI है, ये जो हमारा आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन है, ये लोग का काम इस साल या अगले साल खत्म हो जाने वाला है, तो रादर देन वेट करें फॉर द असेसमेंट ईयर टू कम, हम इनको क्या बोलेंगे, योर प्रीवियस ईयर इज योर असेसमेंट ईयर, तो आप लोग अपनी इनकम कंप्यूट असेसमेंट ईयर में मत करना, प्रीवियस ईयर में ही कर दो और प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स भर के काम खत्म कर दो. नेक्स्ट हमारे पास कौन से होते हैं? पर्संस लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. अगर असेसिंग ऑफिसर को, किसको, अगेन याद रखना, देखो इसमें असेसिंग ऑफिसर को लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो क्या, बाहर से शिप आई तो इंडिया को छोड़ के जाएगी नहीं जब तक आप टैक्स नहीं भरो और जब तक प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर नहीं मानो. पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ केस में हमने क्या देखा कि ये इनिशिएट किससे होता है? असेसिंग ऑफिसर से होता है. असेसिंग ऑफिसर को फील होना चाहिए कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है. असेसिंग ऑफिसर को फील होना चाहिए कि AOP, BOI और AGP बंद हो रहे हैं. असेसिंग ऑफिसर को फील होना चाहिए कि कोई एक आदमी है जो क्या करना चाहता है, उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा किसी और को ताकि वो टैक्स बचा पाए. तो वो क्या बोलेगा, अरे यार तू अगले साल ट्रांसफ़र करने वाला है या इस साल तू ट्रांसफ़र करके टैक्स बचाने वाला है, तो टैक्स प्लानिंग नहीं, एक्चुअली अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, क्या करने वाला है वो, अवॉइड करना चाहता है. किसको अवॉइड करना चाहता है? टैक्स भरने को. इन सच अ केस असेसिंग ऑफिसर वेट नहीं करेगा कि असेसमेंट ईयर में तेरे इनकम को असेस करेंगे. असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, इसी साल तेरी इनकम को मैं असेस कर दूंगा. सो सर्टन सिनेरियोज, इनमें ये चार टाइप के हमने लोग देखे, शिपिंग बिजनेस फॉर नॉन रेसिडेंट्स, पर्सन्स लीविंग इंडिया, AOP, BOI, AGP एंड पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. इन लोगों को हमने क्या बोला, देखो जनरली सबके लिए प्रीवियस ईयर पिछला होता है, असेसमेंट ईयर करंट ईयर होता है, पर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों एक ही साल है. नेक्स्ट,
डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो डिसकंटिन्यू हो गया करंट ईयर के अंदर, बराबर वो बिजनेस बंद हो गया करंट ईयर के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर एट हिज डिस्क्रीशन, असेसिंग ऑफिसर एट हिज डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन मतलब उसकी विल, उसकी इच्छा, बराबर असेसिंग ऑफिसर एट हिज डिस्क्रीशन क्या कर सकता है, उसको बोल सकता है कि मैं अगले साल तक वेट नहीं करूंगा जब आप अपना असेसमेंट ईयर पे इनकम को असेस करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने PY को ही अपना AY मान लीजिए, मतलब अपने प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान लीजिए। देखो ये जो आंसर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम में वो ऐसा पूछते हैं कि नेम फोर सिनेरियोस वेयर द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर नॉट डिफरेंट, तो इन पांचों में से हमें कोई चार का नाम लिखना पड़ता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट आंसर, मैं आपको सबके सेक्शंस भी बता देना चाहता हूँ। देखो पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट का सेक्शन क्या था, सेक्शन 172। सेकेंड पर्सन लिविंग परमानेंटली आउट ऑफ इंडिया, इसका जो हमारा सेक्शन है दैट इज सेक्शन 174, इसके लिए कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन 174। फिर AOP BOI इन लोगों के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन हो गया, तो इन लोगों के लिए हमारे पास सेक्शन हो गया सेक्शन 174A। कौन सा सेक्शन हमारे लिए, सेक्शन 174A। नेक्स्ट जो ऐसे लोग हैं जो टैक्स अवॉइड करने वाले हैं, हमें लग रहा है कि ये लोग टैक्स अवॉइड करने वाले हैं, इन लोगों के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन है, तो इन लोगों के लिए है हमारे पास सेक्शन 175। कौन सा, 175। एंड लास्ट डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इन लोगों के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन है, तो इन लोगों के लिए है हमारे पास सेक्शन 176। बराबर, तो कौन से सेक्शन हमारे लिए इन्वॉल्व हो गए, पहला सेक्शन है हमारे लिए सेक्शन 172, ये फॉर पर्सन्स लिविंग आउट ऑफ, सॉरी शिपिंग बिजनेस जो नॉन रेसिडेंट्स का है उनका। सेकेंड सेक्शन हमारे लिए कौन सा हो गया, सेक्शन 174, पर्सन्स लिविंग आउट ऑफ इंडिया, 174A, AOP BOI, AGPA जो बंद हो गए हैं या बंद होने वाले तुरंत ही। नेक्स्ट हमारे पास 175 एंड 176। बराबर, ये 172 से लेकर 176, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट इज डीम्ड और प्रोविजनल इनकम। प्रोविजनल इनकम भी हम जब एक आगे चैप्टर में देखेंगे, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स वाला चैप्टर, उसमें प्रोविजनल असेसमेंट इज अ वेरी वेरी बिग वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ है। एंड डीम्ड पूरे इनकम टैक्स के अंदर डीम्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब है मान लो। बराबर, क्या है मान लो, मतलब हकीकत में ये नहीं है बट मान लो कि इसको यही मानेंगे हम। करेक्ट, सो विद दिस वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं। एक्सेप्शन कैटेगरी मतलब जिन पे जनरल रूल अप्लाई नहीं होता उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एंड जनरल रूल क्या है, दैट प्रीवियस ईयर इज द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज द करंट असेसमेंट ईयर, बट इन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर, मतलब जिस साल में कमाया उसी साल में इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।